आप सभी को मैं इंद्रानी नायर कक्षा छठी बा की छात्रा आज आप सभी लोगों के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है शिक्षक। खुद पर बने हर चुटकुले हर उस फॉरवर्ड मैम्स को जो आजकल चुप चुप सहते हैं यह उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु मैडम सर या अपना टीचर कहते हैं। हाँ ये वही है जिनकी क्लास में तुम चुप टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम ऐसा बहाना बनाया करते थे। ये वही है जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियाँ औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब ना रोकना ना रोकना सब कुछ जैसा फाइन हो गया है, अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, अब तुम होमवर्क करो या ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। पर काश तुम समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है, इस मुसीबत के समय में कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ इसलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कईयों की सफलता का वो अनसहाज वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा कूद रहे हैं। मिले दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सिखाना आसान नहीं होता है, कितनी भी दिक्कत झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना आसान नहीं होता है। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूमकर आज उनकी कविताएं मिलती है यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए, इस जंग में वो अकेले नहीं है, तुम भी उनके साथ हो ये उनके बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा है जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल के दौर में भी हमारे भविष्य की